नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एमपी क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं रीजनिंग के पांच अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और इन क्वेश्चन का हल हम सबसे आसान ट्रिक से बताएंगे जिसमें आपको पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है, यदि 2 × 6 = 12 हो 32 हो तथा 7 × 4 = 27 हो तो 7 × 6 = क्या होगा। तो यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है और आंसर बिल्कुल सीधा सा है। जब 2 × 6 = 32 दे रखा है तो इसमें देखिए 2 × 6 =, तो ऐसे कर लीजिए, 6 को 5 से गुणा कर दीजिए इसमें, तो कितने आ गए 30 प्लस 2 जोड़ते ही 32, ठीक है 32 आ गए। अब दूसरी में देखिए, दूसरी में क्या है 7 × 4 = 27, तो इसमें भी पीछे वाली संख्या को 5 से गुणा कर दीजिए, तो 4 × 5 = 20 प्लस आगे वाली संख्या को जोड़ दीजिए, तो कितने आ गए 27, ठीक है। अब उसने पूछा क्या है कि 7 × 6 = क्या होगा, 7 × 6 = क्या होगा, तो इसमें पीछे वाली संख्या को 5 से गुणा कर दीजिए, कितना आ गया 30। अब इसमें 7 जोड़ दीजिए तो टोटल कितना हो गया 37। अब आप ऑप्शन देखिए, कौन से ऑप्शन में 37 है, तो बी ऑप्शन में 37 है, अतः बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा बी, 37, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि रोज़ रोज़ हम आपके लिए नए नए वीडियो लेके आते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है कि दी गई संख्या में कौन सा पद गलत है, जिसमें पहला है 27, 64, 125, 216, 334, 512 या 729। ऑप्शन है ए ऑप्शन 512, बी ऑप्शन 729, सी ऑप्शन 334, डी ऑप्शन 216। तो इसमें देखिए, इसमें ध्यान से देखने पर आपको पता चलेगा कि 27 है, ये किसी संख्या का घन है, ये किसका घन है, ये 3 का घन है, 3 बराबर, तो इनको जब 3 × 3 × 3 करेंगे तो 27 आ जाएगा। ऐसे ये जो 64 है वो 4 का क्यू है, ठीक है, 125 5 का क्यू है, 216 6 का क्यू है, 512 8 का क्यू है, 729 9 का क्यू है। अब 334 यहाँ ये संख्या देखिए, 7 का क्यू क्या होता है, 7 × 7 × 7 = 343, ठीक है, इसमें 343 होता है, ठीक है ना, और यहाँ कितना दिया हुआ है 334, तो ये संख्या गलत हो गई क्योंकि ये 7 का क्यू नहीं है, तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 344 गलत है, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ टेबल दी हुई है, इसमें से लुप्त अंक ज्ञात करना है कि कौन सा अंक लुप्त आएगा। तो पहले थोड़ी देर के लिए वीडियो रोके और आप इसको हल करने की कोशिश कीजिए, क्या आपको इसमें लुप्त अंक मिल जाएगा। अब ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या दे रखा है 19, 16, 18 या 17। अब देखिए, आप क्वेश्चन करके देखिए क्या आपका ये इन चारों ऑप्शन में से एक भी ऑप्शन मैच कर रहा है। अब मैं करवाता हूँ कि पहली रो देखिए, पहला स्तंभ देखिए आप, जिसमें लिखा हुआ है 1 और 11 और 120। अब देखिए इसमें एक फॉर्मूला काम करेगा, इसको वैसे किसी भी कितने तरीक़ों से किया जा सकता है, पर मैंने इसका एक सबसे आसान, इसमें इसको देखिए और इसको देखिए, अब इन तीनों का वर्क कीजिए, तो 11 का स्क्वायर = 121, ठीक है, 7 का स्क्वायर = 49 और 5 का स्क्वायर = 25। अब ये जो स्क्वायर आए 121
49 और 25, इनमें से ऊपर वाली संख्या का स्क्वायर माइनस कीजिए, इसमें से करेंगे तो 120 जो आपको यहाँ मिल रहा है। ठीक है, अगले में देखते हैं। 49 माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 बराबर 45 जो आपको यहाँ मिल रहा है। ठीक है, अब लास्ट वाला बचा, तो लास्ट वाले में क्या होगा कि 5 का स्क्वायर बराबर 25 माइनस 3 का स्क्वायर तो कितना आ जाएगा, 16। अब आप ऑप्शन देखिए कौन से ऑप्शन में 16 मिल रहा है आपको, तो बी ऑप्शन में 16 मिल रहा है, तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। ठीक है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसका आंसर आप ढूंढने की कोशिश कीजिए जल्दी से जल्दी, कि बी का 16 से वही संबंध होगा जो डी का प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे जो संख्या आएगी उससे होगा। तो बी का 16 के साथ क्या संबंध है, अब इसको देखिए, तो बी आता है दूसरे नंबर पे और यहाँ दे रखा है बी अनुपात 16। अब 2 का 16 से क्या संबंध है, तो 2 की पावर 4 बराबर 2 की पावर 4 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 16। तो वैसे ही डी आता है चौथे नंबर पे, तो 4 की पावर 4 बराबर क्या आ जाएगा, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 बराबर 256। अब मैच कीजिए दोस्तों, कौन से ऑप्शन में 256 है, तो बी ऑप्शन में, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 256 सही है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, कि दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन अभी अपन ने ऊपर किया था, इसमें दिया हुआ 140, 121, 81, 164 और 36। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इसमें चारों ऑप्शन दिए हुए, 140 गलत है, 121 गलत है, 100 गलत है, यहाँ पर 36 गलत है, तो इनमें से आपको चार ऑप्शनों में से एक ऑप्शन ठीक करना है, टिक लगाना है। तो देखिए, एक सौ या इधर से देखिए, इसमें ये किसका वर्ग है, 6 का, ये 8 का, ये 10 का, ये 9 का और 121 11 का वर्ग है, लेकिन 140 किसी का भी वर्ग नहीं है, या कोई ना कोई संख्या किसी न किसी का वर्ग है, लेकिन 140 किसी का भी वर्ग नहीं है, यह वर्ग होगा रूट 140 का किसी। ठीक है, तो इसमें 140 सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 140। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर ले और घंटी के बटन पर क्लिक करके उसको ऑल कर ले। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।